नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। जरूरतमंद बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में शहर के समाज सेवी सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता डाइट ओपी दीक्षित ने पेश की अनूठी मिसाल। दो शिक्षण संस्थान के माध्यम से जरूरतमंदों को दे रहे हैं निशुल्क शिक्षा। शहर के अन्य समाजसेवी भी इस पहल में बने भागीदार। भविष्य में कंपू और ठाटीपुर में भी निशुल्क शिक्षण संस्थान खोलने का संकल्प। कहा जाता है, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जिए तो जिंदगी है। और ऐसी ही मिसाल पेश की है ग्वालियर शहर के कुछ समाज सेवियों ने। जी हां, लॉकडाउन की अवधि में बुंदेलखंड के ललितपुर जिले से सहरिया जनजातियों के लगभग 18 परिवार विवेकानंद नीडम के नज़दीक रेलवे फाटक के पास झुग्गी झोपड़ी बनाकर पिछले 2 माह से रह रहे हैं। इन परिवारों के लगभग 15 बच्चे इनके साथ में शिक्षा से वंचित थे। प्रातः भ्रमण के दौरान वरिष्ठ व्याख्याता ओपी दीक्षित ने इन बच्चों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम काम तो नहीं करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य कार्य करते हैं। इसके बाद श्री दीक्षित जी ने इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की मन में ठानी। शहर के कुछ समाज सेवियों से मिलकर व रेलवे के कर्मचारियों से चर्चा कर अस्थायी रूप से एक शिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया। श्री दीक्षित ने बताया कि शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के नज़दीक सड़क किनारे भी यही हालात थे। 20 परिवार झुग्गी बनाकर रहते हैं, इनके बच्चे भी शिक्षा की धारा से वंचित थे। शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ौरी के प्रधानाध्यापक ब्रजेश शुक्ला ने उन बच्चों को अपने साथी सत्येंद्र अग्रवाल के साथ मिलकर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। इस तरह यह दोनों शिक्षण केंद्र लगभग 30 बच्चों को राष्ट्र की महत्वपूर्ण शैक्षणिक बौद्धिक संपदा बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब उक्त संदेश समाज में पहुंचा तो समाज के कुछ जागरूक नागरिकों ने इन बच्चों को स्टेशनरी बैग, गणवेश व खाद्यान्न सामग्री वितरित करने की इच्छा जताई। और इसी कड़ी में श्रीमती सगुन वैस, श्रीमती भावना, श्रीमती नीलम गर्ग व अशोक संत जी ने साथ मिलकर बच्चों को उक्त सामग्री वितरित की। उल्लेखनीय है कि बच्चे कक्षा 1 से 8 तक विभिन्न स्तरों की शिक्षण गुणवत्ता रखते हैं। डाइट से सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता ओपी दीक्षित ने उक्त दोनों शैक्षणिक संस्थाओं को सुव्यवस्थित संचालन हेतु समस्त समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ अभिभावकों को समझाया कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से शिक्षण केंद्र पर भेजते रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें, मास्क लगाएं। भविष्य में भी कंपू और ठाटीपुर में इस तरह के शिक्षण केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। सात अक्टूबर से शुरू हुआ है, 7 या 8 से मतलब ये तो अभी शुरू हुआ है। साइंस कॉलेज वाला ये बोर्ड रेलवे की अनुमति से तैयार हो गया। दिल्ली से चर्चा करते थे हम लोग पहले से, तो विचार हुआ कि क्यों ना इन बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उस उद्देश्य से संपन्न हुआ। गार्डियन को समझाया है, बच्चे तो बैठे हैं, मतलब 3-4 बच्चे 8 दिन को पढ़ने आए, अभी 2-3 दिन से इनका पता नहीं था क्या बोल बदला। जितने खाते थे हमने थोड़ा सा समझाया, टाइप भी किया, तो आना मतलब तरीका। अब बेटा हमने 2-3 दिन से समझा रहे थे, बेटा आपको बैग मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, आप आइए। तो